हेलो बच्चों, आज हम गणित में पढ़ने वाले हैं ला सा। मतलब ला सा का क्या अर्थ होता है, पहले इसका मतलब जान लीजिए। ला सा, ला सा का मतलब है, ला का मतलब है लघुत्तम और सा का मतलब है समाप वर्त। ठीक है, इंग्लिश में इसको कहें तो LCM कहते हैं। इंग्लिश में इसको LCM का अर्थ होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स। इंग्लिश में इसका नाम होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स। ठीक है, तो हम देखेंगे ये क्या है। यहाँ पे लीस्ट का मतलब होता है सबसे छोटा, और यहाँ लघुत्तम का मतलब भी होता है सबसे छोटा। कॉमन का मतलब जिसमें जो दी हुई नंबर में कॉमन हो, मल्टीपल्स आप लोग जानते ही हैं। ठीक है, और यहाँ भी सम अपवर्त, सम माने बराबर या एक जैसे, अपवर्त तो पता ही है आप लोगों को। जैसे 10 का अपवर्त निकालना है या 10 का मल्टीपल निकालना है तो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 ऐसे हम उसमें वही नंबर ऐड करते रहेंगे, मल्टीपल्स उसका निकलता रहेगा। और 15 का लासा यानी कि LCM, याद है LCM। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, 10 का अपवर्त निकालेंगे यानी मल्टीपल्स ऑफ 10 निकालेंगे। क्या होगा, 10, 20, 30, 40, 50, 60 और उसके बाद 15 का अपवर्त निकालेंगे, 15 का अपवर्त या मल्टीपल्स ऑफ 15 यानी 15 का अपवर्त या मल्टीपल्स ऑफ 15। क्या होगा, 15, 30, 45, 60, 70, 90। अब सम अपवर्त या कॉमन, जो इसमें कॉमन हो, कौन सा नंबर कॉमन है, 30 कॉमन है, 30 लिखेंगे। और कौन सा नंबर कॉमन है, 60 कॉमन है, चलिए 60 लिख देंगे। अब उसका ला सा या LCM जो यहाँ पर कॉमन होंगे या जो सम अपवर्त निकल के आएंगे, जो दोनों में कॉमन होंगे, उसमें छोटा जो नंबर होगा वही यहाँ पर आंसर हो जाएगा, वही यहाँ पर आंसर हो जाएगा। तो सबसे छोटा कौन है, ये 30 छोटा है, तो 30 ही आंसर हो जाएगा, यानी LCM जो है 30 हो जाएगा, यानी कि 10 और 15 का LCM कितना होगा, 30 होगा। समझ आई बात, तो ऐसे ही किसी भी नंबर का हम निकाल सकते हैं।